आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीएससी के लेक्चर्स आ रहे हैं और आज हम तीसरे लेक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले लेक्चर में हमने यूपीपीएससी के बारे में जाना था, पैटर्न सिलेबस लेक्चर है, देख लीजिएगा। उसके बाद हमने, यानी कि कल, मैप के बारे में जाना था, उत्तर प्रदेश का मैप देखा था, जो कि इस लेक्चर में भी देखेंगे। और आज हम कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, 1.5 महीने तक पूरा कवर कर डालेंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है इंक्लूडिंग मैप, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में राशि मैम की फेसबुक आईडी लिंक कर दी है, आप वहां से पीडीएफ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, ये मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था, ठीक है। अगर हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश का नंबर पहला है, एरिया के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये पॉलिटिकल मैप है उत्तर प्रदेश का, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, और सबसे बड़ा है जो लखीमपुर खीरी है, और जो सबसे छोटा है वो भदोई, जिसको हम संत रविदास नगर कहते हैं, ठीक है। ये मैंने कल के लेक्चर में कवर किया है। अब ये कुछ आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए, ठीक है। इसको स्टेट कब बनाया गया, अभी सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। 24 जनवरी 1950, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। मुझे पता है कि बहुत लोगों को ऐसा मालूम होगा, बहुत लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, और जिनको मालूम है रिविजन है उनका। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75, और डिविजन 8 हैं, ठीक है। तो ये 8 डिविजन में डिस्ट्रिक्ट 75 आते हैं, ठीक है। गवर्नर कौन है, राम नाईक। सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले कौन था, सपा, समाजवादी पार्टी। इससे पहले कौन था, बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो हम ये देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो इस समय चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। एरिया कितना है, 243286, 290 भी ठीक है, 243290, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है, ये 20 करोड़ के आसपास है, ठीक है। हालांकि अब तो 21 करोड़ पार है, बिल्कुल, ये आप मान के चलिए। पॉपुलेशन डेंसिटी 820 पर स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। हर एक किलोमीटर पे 820 लोग आपको मिलेंगे, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद दोस्तों लिटरेसी रेट की बात करें तो 73% है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मेल्स का, यानी कि जो पुरुष है, वो 77.3 एग्जैक्ट आपको इतना ही याद रखना है, 57.2% फीमेल्स, और 73% है ओवरऑल लिटरेसी रेट। हिंदी उर्दू यहां पे बोली जाती है, ठीक, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हालांकि वो हिंदी है। तो हम यहां पे देख रहे हैं तो 73% है यहां का लिटरेसी रेट। अब दोस्तों सेंसस के ऊपर 2-3 वीडियोस आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं सेंसस पे, और उत्तर प्रदेश का सेंसस हम कल लेके आएंगे, ठीक है। स्टेट एनिमल कौन सा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्वैम्प, डियर। स्टेट बर्ड, सारस, क्रेन, बिल्कुल एज इट इज याद रख लीजिए। स्टेट ट्री, अशोक, आसान है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी अशोक सुने, सम्राट अशोक या कभी भी अशोक का नाम सुने, बस याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश का ये स्टेट ट्री है, ठीक है। स्टेट फ्लावर, पलाश। स्टेट डांस, कथक। स्टेट स्पोर्ट, फील्ड हॉकी, ठीक। फिर कितने सिटीज या टाउन्स हैं, 689। डेवलपमेंट बॉक्स ब्लॉक्स 820। नगर निगम 12। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, 80, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30, ठीक है। और यूपी जो विधानसभा, यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं, यूपी में बाई कैमरलिज्म है, ठीक है ना। यहां पे जिस तरीके से भारत में अपर हाउस और लोअर हाउस है ना, यहां पे भी अपर हाउस और लोअर हाउस है, ठीक है। तो यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोअर हाउस, यानी कि विधानसभा की सीटें कितनी है, 404, और अपर हाउस की सीटें कितनी है, 100, ठीक है। और यूपी का विधानसभा लखनऊ में है, लखनऊ राजधानी है, समझ गए, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, बहुत ही एज इट इज रटना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कहां है भैया, नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर मतलब ही होता है नॉर्थ, सो द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया। 21 करोड़ इसकी लगभग लगभग पॉपुलेशन हो गई है, हालांकि सेंसस के हिसाब से देखें तो 20 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 21 करोड़, लेकिन ये पार है। 1 अप्रैल 1937 को इसको क्रिएट किया गया था एज अ यूनाइटेड प्रोविंस। अभी हम थोड़ा एक हिस्ट्री देखेंगे, पूरा इतिहास उत्तर प्रदेश का इतना जरूरी नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तब उत्तर प्रदेश का पूरा अच्छे से इतिहास देखेंगे, लेकिन प्री के लिए इतना जरूरी नहीं है। तो एक छोटा सा ही इतिहास मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो 1 अप्रैल 1937 में इसको क्रिएट किया गया, लेकिन 1947 के बाद भैया 3 साल तो लग गए हमारे कानून बनने में, ठीक है, 2.5 साल। तो हम यहां पे देखते हैं कि 1950 में यही यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश
रख दिया गया, ठीक है, 1950 में। स्टेट में 18 डिविजन्स हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार ये 1950 में उत्तर प्रदेश ये क्रिएट हुआ, ठीक है, फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके तहत सारी स्टेट्स बनी भारत की, फिर 1966 में बहुत बड़ा, उसके बाद फिर भारत में बहुत सारी स्टेट्स जो है वो 2000 तक बनती रही, इनफैक्ट अभी तक भी बनती रही, तेलंगाना को काट के अलग किया गया। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि पहले उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था, ठीक है ना, लेकिन अभी हम देख रहे हैं 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काट के अलग कर दिया गया। उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड पूरा हिमालयन रीजन को कवर करता है। दोस्तों ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने पूरी ज्योग्राफी कवर की है अपने चैनल पे, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से लेकर फिजिकल ज्योग्राफी तक, तो वो बहुत जरूरी है यूपीपीएससी के लिए, तो वो आप जरूर देख लीजिए, उसके लेक्चर्स आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग कर दिया था उत्तर प्रदेश से। तो उत्तराखंड के इस समय कैपिटल क्या है, देहरादून, बड़ा ही खूबसूरत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी, ये सब उत्तराखंड में आता है। पहले 2000 से पहले सब उत्तर प्रदेश में आता था, लेकिन रिसोर्सेज के चक्कर में इसको फिर अलग काट के कर दिया गया और अब उत्तराखंड अलग है और उत्तर प्रदेश अलग है, ठीक है, समझ गया, बहुत ही बढ़िया। फिर ये डिविजन्स देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 18 डिविजन्स है, याद नहीं रखने आपको एक एक डिविजन को, लेकिन फिर भी आप एक बार नजर मार लीजिए, ठीक है। इन्हीं 18 डिविजन्स में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है, डिविजन है डिस्ट्रिक्ट्स का, 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, सहारनपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, देवीपाटन हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, वैसे तो बहुत सारी नदियां बहती हैं, ज्योग्राफी में आप देख लीजिएगा द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, मैंने उत्तर प्रदेश से जितनी भी नदियां बहती हैं पूरी कवर की है, ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप ज्योग्राफी जरूर पढ़ते हुए चलिएगा, इससे आपके दो काम हो जाएंगे, एक तो आपको उत्तर प्रदेश की भी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, हालांकि इसमें भी ये जो सीरीज है उत्तर प्रदेश की इसमें भी हम कवर करेंगे, लेकिन ऐसे भी आपको ज्योग्राफी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 सवाल आएंगे 150 क्वेश्चंस में से, तो फिर वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। दो सबसे इंपॉर्टेंट, गंगा और यमुना कहां मिलती हैं, इलाहाबाद में, ठीक है ना, इलाहाबाद जिसको अब प्रयागराज जिसका नाम बदल के कर दिया गया है, तो ये गंगा और यमुना, ठीक है, ये दोनों पैरेलली चलती हैं, ठीक है, हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, पैरेलली चलती हैं और इलाहाबाद में जाके मिलती हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो बहुत सारी नदियां हैं अगर हम नदियां की बात करें, ठीक है भैया, लखनऊ ही गोमती नदी के किनारे स्थित है, लेकिन मेन जो है वो गंगा और यमुना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगरा यमुना के किनारे स्थित है, और गंगा तो फिर पूरा उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए, बांग्लादेश को फिर पूरा, मतलब पूरा बांग्लादेश को कवर करते हुए फिर वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, फिर उर्दू बोली जाती है, हालांकि यहाँ पे जो 80% पॉपुलेशन है वो हिंदू है, उसके बाद फिर इस्लाम है 19% और बाकी अलग अलग जो रिलीजन है वो आ जाते हैं इसमें, ठीक है। बॉर्डर स्टेट कौन कौन सी है मैं बता ही चुका हूँ, मैप में देख लीजिएगा, आई होप आपने मैप अभी तक अच्छे से पढ़ लिया होगा, मैप हर लेक्चर में मैं आपको दिखाता रहूंगा ताकि ये रट जाए आपको, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, नेपाल तो एक कंट्री है, एक देश है, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया मैं आपको बता ही चुका हूं 243286, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें टोटल एरिया के हिसाब से, भारत का 8% कवर करता है ये, और फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है, पहला कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइए, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इंडिया, कमेंट बॉक्स में ये बताइए, फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से 21 करोड़ की पॉपुलेशन है तो पहला नंबर है उत्तर प्रदेश का, और इलाहाबाद में, इलाहाबाद सबसे पॉपुलस सिटी है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 60 लाख लोग रहते हैं इलाहाबाद में, तो सबसे पॉपुलस सिटी है, ठीक है ना, समझ गए, बहुत ही बढ़िया। एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर के हिसाब से देखें, वैसे भारत की जो इकोनॉमी या किसी भी देश की इकोनॉमी तीन में डिवाइड होती है, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो एग्रीकल्चर पूरी तरीके से यहां पे कंट्रीब्यूट करता है, गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के, कृषि के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश का योगदान बहुत ही ज्यादा है, और थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है डेफिनेटली, क्योंकि साइज इतना बड़ा है तो उस हिसाब से इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, और 15.42 लाख करोड़ जीडीपी में ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। 28th अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो ये 28वें नंबर पे है, बहुत ही खराब इसका परफॉर्मेंस है अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें,
1968 के बाद से प्रेसिडेंट रूल को यहां पे 10 बार लगाया जा चुका है। 2000 के बाद से दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करें, हालांकि पॉलिटिक्स कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 2000 के बाद से स्टेबिलिटी आई है। 2000 से पहले तक 1968 से 2000 तक बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी थी, कभी प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, कभी कोई समर्थन खींच ले रहा है, कभी इसकी सरकार गिर रही है, ठीक है, बहुत दिक्कत। फिर बाबरी मस्जिद जिसके जजमेंट का जो वेट हम सब कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इश्यू तब से चला आ रहा है, तो बहुत ज्यादा। तो फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो है हिंदुइज्म। हिंदू यहाँ पे सबसे ज्यादा 80%, 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो उत्तर प्रदेश की वो हिंदू है, ठीक है। उसके बाद इस्लाम, उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ये आई होगा, ठीक है, ये आई होगा। हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही एंशियंट हिस्ट्री तो बहुत ही पुरानी है भैया, महाभारत और रामायण जो है वो यहीं से ही तो निकलती है ना, पूरा उत्तर प्रदेश। अरे भैया, उत्तर प्रदेश अयोध्या भगवान राम की नगरी है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर माइथोलॉजी की बात करें, या फिर अगर हम बात करते हैं कि पुराने इतिहास की, तो उत्तर प्रदेश का नाम बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है। एक रीजन ये भी है ना कि यूपी बहुत फर्टाइल रहा है, तो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप देखें तो यहां पे भी जब पूरा क्लाइमेट शिफ्ट हुआ तो यहां पे आके बस गए। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रीजन है। क्यों फर्टाइल रीजन है? क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, लोग वहीं बसते हैं जहां पे नदी हो, समझ रहे ना। तो बहुत ज्यादा कृषि के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है नदियां, क्योंकि पूरी जमीन को उपजाऊ बना देती हैं, साथ ही साथ बाकी के जो काम होते हैं वो भी नदी से पूरे हो जाते हैं। इसीलिए तो नदियों को देवी माना गया है, ठीक है ना, ये लिविंग एंटिटीज है। गंगा यमुना को तो कोर्ट ने बोल दिया ना, ये लिविंग एंटिटीज है। तो रामायण और महाभारत भी यहां से इंस्पायर्ड है, साथ ही साथ जैनिज्म बुद्धिज्म भी यहां से निकला है भैया, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सरमोन भी तो, समझ गए ना, याद आ रहा है कि नहीं। तो सब कुछ अयोध्या, अलाहाबाद, अलाहाबाद में तो हम देखें प्रयागराज, मतलब अगर हम प्रयाग अब तो उसको बोलेंगे, तो वहां पे तो भैया 12-12 साल पे कुंभ लगता है, अभी लगा था कुंभ मेला, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा मेला। फिर वाराणसी में तो भैया ज्योतिर्लिंग है, ऐसा बोला जाता है कि वाराणसी में किसी की भी मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और वाराणसी हालांकि शहर जो है, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी की भी कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, शहर जो है वाराणसी का अगर हम देखें तो बहुत ही पुराना शहर है, ठीक है, सबसे पुराना इनफैक्ट शहर है, लेकिन छोटा शहर है, गलियां बड़ी सकरी हैं, भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहां पे एक अलग ही रौनक है, ठीक है ना। और जो भी भैया उत्तर प्रदेश से है, यूपी से है, जो भी शहर से है, कमेंट बॉक्स में जरा बता दीजिए कि आपके शहर की क्या खासियत है, आपका भी इसमें रिविजन हो जाएगा, बहुत लोगों को पता भी चल जाएगा। तो वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो ये इस शहर की महत्व, इस शहर का महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हम भगवानों के हिसाब से देखें, भक्ति के हिसाब से देखें, तो भी वाराणसी नंबर वन पे आता है, खाने पीने के हिसाब से भी वाराणसी बहुत ऊपर आता है, और रौनक के हिसाब से तो नंबर वन है। यहाँ पे आप रात में भी चले जाइए तो आपको रौनक मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत ये कि शहर में गलियां इतनी पतली हैं कि अक्सर यहाँ पे आपको जाम मिलेगा। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा पॉपुलस है, तो वैसे तो हर शहर की ही ये दिक्कत है भारत के, क्यों ओवर क्राउडेड हो रहे हैं धीमे धीमे, बहुत ज्यादा जाम की प्रॉब्लम और बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। अब उसका क्या सोल्यूशन है? बना दो फ्लाईओवर, ठीक है। तो ये चीज है, मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी। तो भैया भारत में भगवानों को पूजा जाता है, सारे भगवान यहीं से निकले हैं, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो ये चीज अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, वैसे तो दोस्तों हिस्ट्री बहुत पुरानी उत्तर प्रदेश की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया जब हम मेंस की तैयारी करेंगे उसमें हम उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत अच्छे से जानेंगे, अभी आप खाली एक बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो संत कबीर जो हो गए उन्होंने भी यहीं से ही शुरुआत की थी, बनारस से शुरुआत की थी, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसीदास, सूरदास, रामायण, सब कुछ, भगवान राम की भूमि अयोध्या, कृष्ण की भूमि मथुरा, तो सारे धर्म एक तरीके से, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म वो भी यहीं से निकले हैं, ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये सब कुछ मुगल्स के अंडर आ गया, जैसे जैसे पहले तो सुल्तान डायनेस्टी के अंदर था, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, फिर तुगलक्स, मतलब स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक्स, बाद में जब मुगल एम्परर आए 1526 के बाद से सब कुछ मुगल्स के पास आ गया। लेकिन फिर जब ब्रिटिश इंडिया आई, ठीक है, तो 1773 में बनारस और गाजीपुर को ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया मुगल एम्परर ने। मुगल्स की जो ताकत थी वो भी यहां पे डिक्लाइन हो रही थी, डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, ठीक है। फिर हम बाद में देखते हैं कि कुछ टेरिटरीज उत्तर प्रदेश की
सिंधियाज और ग्वालियर गोरखास इन्होंने भी ऑक्यूपाई कर ली थी, ठीक है। लेकिन असली इसकी इतिहास शुरू होता है जो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें 1858 में, जब लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इन सबको अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है ना। और 1856 में तो दोस्तों आपको पता ही है कि अवध को पूरी तरीके से अनेक्स कर लिया गया था। सब्सिडियरी अलायंस कुछ याद आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 1856 की बात है, वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के नवाब थे। अब वाजिद अली शाह तो बहुत बड़े पोएट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो लड़ाई हुई है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ट्रिगर पॉइंट था वो दो थे, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और दूसरा जो अवध को अनेक्स किया गया था। आपको जान के हैरानी होगी कि 1857 का भारत का जो पहला युद्ध हुआ था वो ब्रिटिशर क्या कह रहे थे, अंग्रेज कह रहे थे कि वो सीपॉय म्यूटिनी है, लेकिन बाद में जब इस पर रिसर्च हुई, ये तो पूरा युद्ध था, ये तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। इसका पता इसी तरीके से लगाया जा सकता है कि अवध की 1856 में अवध को अनेक्स कर लिया गया था सब्सिडियरी अलायंस के तहत। सब्सिडियरी अलायंस क्या था, ये लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे 1802 में, राज्यों पे इसको प्रिंसली स्टेट जो है थोप दिया गया था उनके ऊपर। इसके तहत ये था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, ब्रिटिश इंडिया स्टेट से बोल रहे थे जो प्रिंसली स्टेट थी, हम आपकी रक्षा करेंगे, सबसे रक्षा करेंगे, अगर आस पास या अगल बगल का कोई भी स्टेट आपके ऊपर अटैक करता है, हमारी आर्मी है ना, हम आपको बचाएंगे, लेकिन बदले में आपको हमको पैसे देने होंगे, हमारी आर्मी को मेंटेन करना होगा। और ये जबरदस्ती थी, ठीक है, हमारी आर्मी को मेंटेन करना होगा और हमारा एक नुमाइंदा आपकी स्टेट में बैठेगा। यानी कि अगर कुल मिला के देखें तो ब्रिटिशर क्या कर रहे थे कि प्रिंसली स्टेट के इंटरनल मैटर्स में आप दखल देने लगे। और इसी के बाद 1856 में अवध को सबसे पहले अनेक्स कर लिया, जीत लिया था उन्होंने, और या कोई लड़ाई लड़के नहीं जीता था, उन्होंने बोल दिया कि अब हटाओ इस सब्सिडियरी अलायंस वैलेंस हटाओ। अवध के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह, वो अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे, इसलिए आप चुपचाप बंगाल निकल जाइए, बाकी अब ये पूरा एरिया जो है वो ब्रिटिश के अंदर आएगा। तो अवध को जीत लिया वाजिद अली शाह से। वाजिद अली शाह आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत बड़े प्रेमी थे, कला के बहुत बड़े प्रेमी थे, इनके कोर्ट में आपको पोएट्स मिलेंगे, आर्टिस्ट मिलेंगे, आर्टिजन्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कलाकार म्यूजिशियंस मिलेंगे। इनफैक्ट वाजिद अली शाह भी पोएट थे, खुद भी वो पोएट्री करते थे। तो जब ब्रिटिशर ने इनको पोएट्री करते हुए देखा तो बोला ये कैसा नवाब है, ऐसा कोई नवाब होता, ऐसा कोई राजा होता, बट वो समझ ही नहीं पाए, ब्रिटिशर का कल्चर अलग था, हमारा कल्चर अलग है। वाजिद अली शाह का मेन यही था कि सबको मोटिवेट किया जा सके, हर हर किसी को रोजगार दिया जा सके, इसलिए, और इसीलिए अवध बहुत प्रॉस्परस था। लेकिन जब ब्रिटिशर ने बोला कि हटाओ ये सब कुछ नहीं चलेगा, तो 1856 में निकाल दिया वाजिद अली शाह को, अवध को अनेक्स कर लिया गया। रातों रात सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए और उसके बाद सबका मूड खराब हो गया, सारी जितनी भी जनता थी 75% अवध की 75% जनता ने हथियार उठा लिए थे। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, लड़ गए थे ब्रिटिश से, लेकिन उसमें ब्रिटिश जीत गए, आपको पता ही है, हमारी हार हुई, बहुत सारे रीजंस है, 1857 का वॉर मैं कवर कर दूंगा बहुत ही जल्द, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां पे हम देखते हैं कि 1856 में अवध को अनेक्स किया गया, फिर 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद और बाकी सब अपने कब्जे में ले लिया, और 1877 1877 आते आते नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और औध को, अब देखिए अवध बोला जाता था लेकिन जो ब्रिटिशर थे वो अवध नहीं बोल पाते थे, वो औध बोलते थे, औध। कानपुर को वो कानपुर नहीं बोलते थे, खानपुर बोलते थे, इसीलिए कानपुर पड़ गया उसका नाम, ठीक है ना। तो ये चीज है, वो जो ब्रिटिश बोलते थे उसी के ही नाम से मतलब ये प्रोनाउंस होता था, ठीक है। तो 1877 में 1877 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और औध को, यानी कि अवध यानी कि लखनऊ को अपने में कब्जे अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोविंसेस। फिर 1902 में अगेन यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड औध, ये यूपी को ये नाम दिया गया, और अल्टीमेटली 1937 यूनाइटेड प्रोविंस नाम दिया गया, लखनऊ को कैपिटल बनाया गया, और 1950 24 जनवरी 1950 में इसको उत्तर प्रदेश बोला गया, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी, और 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो ये एक छोटा सा इतिहास था उत्तर प्रदेश का, और ये कुछ फैक्ट्स थे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, हम बहुत अच्छे से एक एक की चर्चा करेंगे, इकोनॉमी कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है, सब कुछ करेंगे। ये कुछ जनरल फैक्ट्स थे, जनरल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इतनी तो आपको इतनी चीजें तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना ही चाहिए, और आई होप आपको पता हो गया, आपका रिविजन हो गया है। कल हम सेंसस की बात करेंगे, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं परिवार को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ
इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक्ड है, आप क्लिक करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।